आज हमारे शहर में इतनी गर्मी पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने पर्यावरण को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। इतनी गर्मी है, 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इस गर्मी ने। पेड़ पौधे से ही हम लोग जीवित हैं। जीवन में पेड़ का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवन नहीं रह सकता। हिलसा के राम बाबू उच्च विद्यालय से गौतम ग्रुप के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। बुधवार को हिलसा सर के राम बाबू उच्च विद्यालय से गौतम ग्रुप के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर नालंदा जिला के शिप आइकन डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव ने किया। जागरूकता रैली के दौरान एक पेड़ 100 पुत्र के समान, जन्मदिन के मौके पर एक पौधे अवश्य लगाएं, पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है, हमारे जीवन का यह महत्वपूर्ण अंग है, इत्यादि नारों से इलाका गूंज रहा था। जागरूकता रैली शहर के राम बाबू उच्च विद्यालय से निकलकर सब्जी मंडी, खाकी चौक, काली स्थान, बैरुनतल, हिलसा थाना के पास सिनेमा मोड़, बिहारी रोड होते हुए बाबा भैरनाथ धाम मंदिर तक पहुँचा। मौके पर शिप आइकन डॉक्टर आशुतोष कुमार मानव ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक पौधे अवश्य लगाना चाहिए। प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ने कहा कि मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए मनुष्य और पौधे का परस्पर संबंध है। इस दौरान राम बाबू उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार, वीरेंद्र कुमार, अरुण कुमार, हीरेंद्र कुमार, कुमार विक्रम, पम्मी मनीषा, आदित कुमार, रोहित कुमार श्रीनिवास, मनीषा कुमारी, सुरजन कुमार, कल्पना अजनबी, मुकेश कुमार समेत सैकड़ों लोग इसमें मौजूद थे। इंस्टीट्यूशन के हमारे डायरेक्टर सर श्री अभिजीत गौतम सर ने ये रैली आज निकलवाई है ताकि हम पर्यावरण दिवस पे जागरूकता बता सके। आज हमारे शहर में इतनी गर्मी पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने पर्यावरण को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अगर हम इस पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो ये पर्यावरण हमें किस तरीके से बचाएगा? इसी बात की जागरूकता बताने के लिए हमारे गौतम ग्रुप के अभिजीत सर ने ये रैली बनाई है ताकि सारे लोग, जो भी आसपास के लोग हैं, उनमें ये जागरूकता फैलाई जा सके। हिलसा की धरती पर गौतम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसमें वहाँ के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वहाँ के जो भी अधिकारी हैं और कर्मी हैं, सारे लोग इस जागरूकता रैली के माध्यम से आम जन को संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण जितना तेजी से असंतुलित हुआ है उसको संतुलित करने के लिए अपने अपने स्तर से सभी लोग प्रयास करें। कॉलेज का ये प्रयास है, बढ़िया प्रयास है, हम इसकी सराहना करते हैं। पौधा रोपने के लिए भी ये कॉलेज पहले से प्रयासरत रहा है और हम तो सभी देख रहे हैं आजकल कि कितनी गर्मी है, 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इस गर्मी ने और जीना दुभर हो रहा है, पशु पक्षी मानव सब लोग हताहत है। तो मैं चाहता हूँ अपने तरफ से भी कि आप सब लोग पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं और इसी तरह से इस मैसेज को जन जन तक पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, पर्यावरण बहुत जरूरी है, पेड़ पौधे से ही हम लोग जीवित हैं। जरूरी है, आज पर्यावरण दिवस है, इस दिवस पे हम लोग को हमें एक पेड़ हमेशा लगाना चाहिए। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए हम लोग का जीवन में पेड़ का बहुत महत्व है। वर्ष हम लोग 5 जून को मनाते हैं, जिसमें हम लोग अपने जीवन के लिए पेड़ पौधे का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवन नहीं रह सकता और जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे हम लोग का ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो सकता। आज पेड़ पौधे इतनी ज़्यादा कटाई हो रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग इतने बढ़ गए हैं, कहीं ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आज ये हम लोग के लिए बहुत ही खतरा का विषय है, जो कि मनुष्य को चाहिए हर एक प्राणी को कि कम से कम एक वृक्ष लगाकर इस भौतिक जीवन और वातावरण को हम लोग शुद्ध करें और बनाए रखें, जीवन के लिए ही बहुत काफ़ी। छात्र छात्राओं की सहभागिता और सभी शिक्षक कर्मचारी जो रैली निकाल कर जो है जागरूकता फैला रहे हैं कि अधिक से अधिक लगाएँ, हम सभी लोग को एक एक पेड़ लगाएंगे और पूरे समाज को जो जागरूक करेंगे कि सब लोग अपने घर में जो एक एक पेड़ लगाकर जो है पर्यावरण को बचाएँ। कि जो हमारे सामने जो गर्मी का गर्मी से हम लोग बेहाल हो जा रहे हैं, इस गर्मी को जो है पर्यावरण से ही बचाया जा सकता है।
पर्यावरण दिवस पर रैली निकल रहा है इसके दिशा में क्या कहेंगे? जी आज पर्यावरण 5 जून है, ठीक है, और इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए जैसे हरियाली कम हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसमें अब इस 54 बरस का रिकॉर्ड पूरे गर्मी इस बार पूरे देश में, चाहे बिहार हो पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ी है, इसको हम लोग पेड़ लगाकर और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे। कहें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, इसमें पेड़ पौधे खुशहाली ये सब बना रखे। आज दिल्ली का जो तापमान बढ़ रहा है 52 डिग्री, वो पेड़ पौधे से नहीं रहने के कारण बहुत क्षति और दुष्प्रभाव पैदा हो रहा है, इसलिए पर्यावरण को हम लोग को बचा के रखना चाहिए।